हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वीवो फ़ोन में जेड अचीवर ऐप में ओबीवी फोल्डर और डाटा फोल्डर ओपन नहीं हो रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। अब ऊपर की साइड थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर शो सिस्टम या शो ऑल ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर देखिए सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च करना है फाइल। जैसे ही फाइल सर्च करेंगे तो यहाँ पर फाइल्स नाम का ऐप आ जाएगा, इस ऐप पर क्लिक करना है, फाइल्स वाले ऐप पर। अब ऊपर की साइड थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देना है। गाइस देखिए, मैंने कर रखा है इसीलिए शो नहीं कर रहा है। तो जैसे ही इतना कर देंगे फिर बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब जेड अचीवर ऐप को ओपन करना है, ओके करते हैं। अब एंड्रॉयड वाले फोल्डर पर हम क्लिक करते हैं। अब डाटा फोल्डर पर या ओवीवी फोल्डर पर क्लिक करते हैं और यहां से ओके करते हैं। फिर नीचे यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करके यहां से अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहां पर ओवीवी फोल्डर ओपन हो चुका है, बैक आते हैं। अब डाटा फोल्डर पर क्लिक करते हैं, यहां से ओके करते हैं। फिर नीचे यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करते हैं और अलाउ कर देते हैं। देखिए यह भी ओपन हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम थी सही हो चुकी है, ओवीवी और डाटा दोनों फोल्डर ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।